Dear students, our today's topic is marketing mix. It is one of the important topics of level 3 retail marketing. First of all, we will cover the basic terminology of retail marketing. And the first term is retail market. Retail market हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे customers जिनकी कोई खास need हो किसी market में जाते हैं और जहाँ पे वो retailers available होते हैं उनकी need को फुलफिल और सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे रिटेल मार्केटिंग क्या होता है। रिटेल मार्केटिंग वो चीज़ होती है जिसमें एक रिटेलर अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करता है, रिसर्च करता है, एडवर्टाइजिंग करता है, प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करता है और एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के थ्रू अपना मर्चेंडाइज ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को। और लास्ट में हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म रिटेल मार्केटिंग मिक्स। रिटेल मार्केटिंग मिक्स होता है जिसमें अलग अलग टूल्स जो रिटेलर होता है इस्तेमाल करता है अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए और कस्टमर को राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे देने के लिए। नाउ मूविंग ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स होता है द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन्स एंड आइटम्स एक सेलर भेजता है अपने बायर्स को, जो भी उसके पास प्रोडक्ट हो उनको प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। अब देखेंगे प्रोडक्ट लाइन क्या होता है। प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज दे फंक्शन इन सिमिलर मैनर। वो वाले प्रोडक्ट्स जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं और एक जैसा फंक्शन करते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन कैसे होगी ऑन द बेस ऑफ देयर नीड और बाइंग हैबिट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, फर्स्ट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सेकेंड इज बिजनेस प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक कस्टमर बाई करता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो उनको कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बोलते हैं इसीलिए हम। ऑन द अदर हैंड बिजनेस प्रोडक्ट्स हम उन गुड्स को बोलते हैं जो हम किसी दूसरे बिजनेस को बेचते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए या रिसेल के लिए। नाउ वी विल सी दी क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन क्या क्या है। सबसे पहले है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। कन्वीनियंस वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम इमीडिएटली बाय करते हैं, विदाउट प्लानिंग बाय करते हैं और फ्रिक्वेंटली बाय करते हैं और रोज़मर्रा के लाइफ में हम इनको अपने लिए बाय करते हैं। इनमें सबसे पहला है स्टेपल प्रोडक्ट्स। स्टेपल प्रोडक्ट्स होता है वो वाले प्रोडक्ट्स जो हम रेगुलर बेस पे बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केचअप, टूथपेस्ट, सोप्स एक्स्ट्रा आर कॉल्ड स्टेपल प्रोडक्ट्स। ऑन द अदर हैंड इम्पल्स प्रोडक्ट्स वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम विदाउट एनी प्लानिंग परचेज करते हैं या विथ लिटिल सर्च एफर्ट हम परचेज करते हैं, लाइक आइसक्रीम, कैंडी, मैगजीन एक्स्ट्रा। एंड द लास्ट टाइप ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स इज इमरजेंसी प्रोडक्ट्स। ये वो वाली प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम इमरजेंसी या अर्जेंसी में परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है तो हम अम्ब्रेला उसी टाइम परचेज करते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इज शॉपिंग प्रोडक्ट्स। ये वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम परचेज करते हैं सिलेक्शन के थ्रू और उनके करेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल सूटेबिलिटी, क्वालिटी, उनका प्राइस और उनका स्टाइल कंपेयर करते हैं, उसके बाद हम ये परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, क्लोथिंग एक्स्ट्रा। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो खास कस्टमर्स बाई करते हैं और ऑन द बेस ऑफ देयर यूनिक करेक्टरिस्टिक और ब्रांड आइडेंटिफिकेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हम कार्स लेते हैं या डिज़ाइनर क्लोथ्स लेते हैं तो कोई कोई कस्टमर ये वाले प्रोडक्ट्स खरीदता है। एंड द लास्ट टाइप इज अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। ये वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में कस्टमर को लिटिल इन्फॉर्मेशन होती है या बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है, तो इनको इसीलिए बोलते हैं अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। नाउ मूविंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है, वी विल स्टडी ब्रांडिंग इन डिटेल। ब्रांडिंग हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई खास नाम या कोई खास सिंबल देते हैं। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला है इनमें ब्रांड। ब्रांड क्या होता है, इट्स अ नेम साइन, सिंबल और डिज़ाइन और एक कॉम्बिनेशन ऑफ देम। क्यों, किस लिए? ताकि हम अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई कराएं कस्टमर्स के पास व्हेन ही गोज़ इन द मार्केट। द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ ब्रांड नेम। ब्रांड नेम हम उस चीज़ को बोलते हैं, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच इज़ अट्रेबल और विच कैन बी वोकलाइज्ड, जो हम बोल सकते हैं या जो हम किसी दूसरे को कह सकते हैं, उसको ब्रांड नेम बोलते हैं। द थर्ड वन इज़ ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसको हम रिकॉग्नाइज तो कर सकते हैं लेकिन हम इसको बोल नहीं सकते। ये एक सिंबल होता है या डिज़ाइन होता है या कोई खास कलर होता है जिसे हम ब्रांड को पहचानते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें हम अपने ब्रांड को एक लीगल प्रोटेक्शन देते हैं ताकि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमारे नाम को या हमारे साइन को, सिंबल को यूज़ ना करें। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ब्रांडिंग। देयर आर डिफरेंट कंपनीज इन इंडिया एंड ब्रांड्स वर्किंग इन इंडिया, सो हियर आर those brands and here's a glimpse of them. Now let's see the objectives of branding. Branding का मकसद क्या होता है, हम branding क्यों करते हैं? The first one is it delivers the message clearly. ये हमारी जो मैसेज, हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो clearly हमारे कस्टमर तक पहुँच जाती है। The second one is it confirms the company's credibility. Branding से हमें पता चलता है कि कंपनी का वैल्यू कितना है और कंपनी एक्चुअली में है कि नहीं है। The third one is it connects the target prospectus emotionally with the company. जो हमारे target होती है वो emotionally connect हो जाते हैं हमारी company के साथ। The fourth one is it motivates the buyers to buy our products. एक buyers को motivate करता है हमारे products को खरीदे। And the last one is it strengthens the buyers' loyalty. जो हमारे customers होते हैं उनकी loyalty बढ़ाता है। Now moving on to very important term that is packaging. According to Philip Kotler, one of the pioneers of marketing, packaging is an activity which is concerned with protection, economy, convenience and potential consideration of a product. But customers जो होते हैं वो बहुत ही confused होते हैं with the term package, packing and packaging. Package क्या होता है? Package हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट को बंद करके सेल करते हैं, जो आउटर पैकिंग होती है किसी प्रोडक्ट की। पैकिंग क्या होता है? पैकिंग होता है वो प्रोसेस, वो काम करना, बॉक्स में किसी चीज़ को या कवर में किसी चीज़ को डालना, उसको हम पैकिंग बोलते हैं। नाउ विल सी व्हाट इज़ द टर्म पैकेजिंग। पैकेजिंग होती है वो सारी प्रोसेस जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, जिसमें हम डिज़ाइनिंग करते हैं, कलर सेलेक्ट करते हैं कि पैकिंग हम कैसे करेंगे। तो सारी प्रोसेस को, इस प्लानिंग को हम पैकेजिंग कहते हैं। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग अलग अलग टाइप की होती है, बॉक्स में पैक करते हैं, बोटल्स में पैक करते हैं, रैपर्स में पैक करते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से हम पैकिंग करते हैं, प्रोडक्ट किस टाइप का उसी हिसाब से पैकिंग होती है। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें हम कोई चीज़ अटैच करते हैं, टैग करते हैं अपने प्रोडक्ट पर और ऐसे हम अपने प्रोडक्ट को लेबल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल दिया हमने प्रोडक्ट के फीचर्स, प्राइस, क्वांटिटी, साइज, तो ये सब लेबलिंग में आता है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबलिंग। सबसे पहला है ब्रांड लेबल, ग्रेड लेबल एंड डिस्क्रिप्टिव लेबल। सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ लेबलिंग। द फर्स्ट वन इज ब्रांड लेबल। ब्रांड लेबल हम किसको कहते हैं? ब्रांड लेबल इज यूज्ड टू मेक अ ब्रांड पॉपुलर, जिसमें हम ब्रांड को पॉपुलर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांड नेम देते हैं, लोगो देते हैं, तो उसको हम ब्रांड लेबल बोलते हैं। द सेकेंड वन इज़ ग्रेड लेबल। ग्रेड लेबल में हमें पता चलता है कि एक प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की ग्रेड क्या है। तो ग्रेड लेबल हम लेटर से डिनोट करते हैं, नंबर से डिनोट करते हैं, ताकि हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें। एंड द लास्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव लेबल। डिस्क्रिप्टिव लेबल में हम एक प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्रोडक्ट की कंपोजिशन क्या है, उसको हम यूज़ कैसे करेंगे, स्टोरेज कैसे करना है इसका, कलर क्या है, प्राइस क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो ये वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव लेवल में हम देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड प्लीज़ प्रोवाइड अस योर फीडबैक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। स्टे एट होम, स्टे सेफ।